लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तुम्हें पकड़ने के लिए सरकार ने 5,000 का इनाम रख दिया है। इनाम तो रखा है काका, मगर मजा तो तब आए अगर ये इनाम 5,000 से 50,000 हो जाए और 50,000 से 5,00,000। ये मत भूल जालिम सिंह, इनाम की रकम बढ़ेगी तो जान को खतरा भी बढ़ेगा। अभी मेरी बात मान ले, हम गुनाहों की जिंदगी को छोड़कर कोई दूसरा काम कर लेते हैं। पहले आज रात का काम तो कर लेने दे काका, वो डॉक्टर का बेटा एक बार हाथ में आ गया ना तो पूरे 5,00,000 खुद बखुद मिल जाएंगे। चल। डॉक्टर भूषण स्पीकिंग। हाँ, आई सी। ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं अभी चल रहा हूँ। कैसा ऑपरेशन? सिजेरियन केस है, मैं कपड़े बदल लूं। अरे अरे ना ना ना, अरे अरे ना ना ना, ना रानी बेटी ना, चल चल चल। पापा पापा, आप कहाँ जा रहे हो? कितनी बार कहा पीछे से आवाज नहीं देती? कोई बात नहीं, देखो आराम से सो जाना, मम्मी को तंग नहीं करना, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पापा पप्पी, पापा की पप्पी, गॉड ब्लेस यू। भूषण, अगर तुम्हें अपने बच्चे की जिंदगी चाहिए तो कल ठीक 11 बजे 5,00,000 रुपए लेकर शहर से दूर काली पहाड़ी पर आ जाए, वरना अंजाम तुम अच्छी तरह जानते हो। जालिम सिंह, कभी कभी कुदरत कितनी संदिग्ध हो जाती है, इंसान कितना मजबूर कितना बेबस हो जाता है।
सिवाय बर्दाश्त करने का और हम कर भी क्या सकते हैं। भूषण, भूषण अपने आप को संभालो। भूषण कम से कम उस मासूम बच्ची का तो ख्याल करो जिसके मुकद्दर में पहले आंखों की रोशनी नहीं थी और अब मां का प्यार भी छिन गया है। उसके लिए दुनिया में अब सिर्फ तुम ही तो हो। भूषण तुम ठीक कहते हो खान, लेकिन मेरा मुन्ना उसकी फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो। भूषण पुलिस उन कातिलों को कभी नहीं छोड़ेगी। तो ऐसी धमकियां तो हम दिन रात सुना करते हैं। नहीं खान, नहीं, मैं अपने मुन्ने को दांव पर नहीं लगा सकता। कैसी बातें करते हो भूषण, हिम्मत से काम लो। जरा सोचो, अगर आज हमने उनकी मांगे पूरी कर दी तो क्या वो कल किसी और के बच्चे को नहीं उठा ले जाएंगे? उनके हौसले और नहीं बढ़ेंगे, उनकी मांगे और नहीं बढ़ेंगी? और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि रुपए लेने के बाद वो हमारे मुन्ने को वापस कर देंगे? भूषण, उनके जुर्म का जवाब कानून ही देगा। कानून पे भरोसा रखो, पुलिस की ताकत पे भरोसा रखो। तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो अपने बेटे को बचाने के लिए कह रहे हो? भूषण, मुन्ना क्या मेरे लिए गैर है? क्या वो मेरा बच्चा नहीं है? अपने दोस्त पर भरोसा रखो। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द तुम्हारा मुन्ना तुम्हारी बाहों में होगा। लगता है पैसे लेके तो आ गया। बस अब इतना ही देखना है काका कि इसमें पैसे भी हैं या कोई चाल। चलो काका। पुलिस ने पूरी कोशिश की, दिन रात उनका पीछा किया, कहां कहां उसे नहीं ढूंढा। अब तो मैं भी थक गया हूं। जब कहीं कुछ भी पता ना चला, मां से पूछने चला आया कि अगर मुन्ने को छीनना था तो दिया ही क्यों। बेटा, आप तो जानते हैं कितनी मन्नतें मांगी थी, शादी के कितने सालों के बाद मुन्ना हुआ था। सारी दुनिया के दुख हरने वाली जगदम्बे तुम्हारा दुख भी जरूर दूर करेगी। लेकिन बाबा, मैं सच्चे मन से इसकी शरण में आए हो बेटा, तो सब कुछ मां पर छोड़ दो। मां बड़ी दयालु है, इसके दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। ये तुम्हारा बेटा तुम्हें जरूर देगी मेरे बच्चे। देवी मां, मेरा बच्चा कहां है, किस हाल में है, कुछ नहीं मालूम। वो जहां भी हो उसकी रक्षा करना मां।
इनका इलाज वो नहीं ये है, देख लिया गांव वालों, जालिम सिंह और शेर सिंह के गिरोह से दुश्मनी लेने का नतीजा। अगर आइंदा किसी ने हमारे खिलाफ पुलिस में खबर की तो याद रखो उसका अंजाम भी वही होगा जो इनका हुआ है। चलो बेवकूफ बना के आ गए तुम पुलिस को शेरू, ये रहा तुम्हारा इनाम। देखा बीमा, वैसे तो तू मेरा बेटा है लेकिन जालिम सिंह का नाम ऊंचा करेगा शेरू, शाबाश। तो हम सब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाके शेरू की सेहत का जाम पियो, जाओ। चल काका। बापू तुम शराब मत पीना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा बेटी नहीं पीऊंगा बाबा। नहीं पक्का। काका हाँ, आज से 21 साल पहले तूने बहुत अच्छा किया जो मुझे शेरू को जान से मारने से रोक दिया। डॉक्टर विद्याभूषण 5 लाख रुपए दे नहीं सका, उसका बेटा शेरू है ना, ये हमारे लिए 5 करोड़ रुपए का माल लूट के लाएगा। शेरू क्या है? अरे मेरे शेर, तूने सरदार को तो खुश कर दिया लेकिन मुझे कब खुश करेगा? क्या चाहिए तुझे? बोलो, अपने को तो बस तू चाहिए। छोड़ मुझे। अरे डरता तो ऐसे जैसे मैं करंट मारती हूँ। प्यारे इस बिजली के तो इर्द गिर्द लोग चक्कर मारते हैं, अरे तू अपने को तो लोगों से जाके गले क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि बचपन से अपने प्यार का तार तेरे साथ अटक गया है। कितनी बार तुझे कहा है कि यहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला? और हम भी हासिल किए बगैर मरने वाला नहीं है। क्यों? जरा यहाँ से दूर जाके मरेगी तो सांस नहीं निकलेगी। चल हट, मुझे खामखा बदनाम मत कर। अरे तो फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी? और तेरे साथ? शायद तू जानती नहीं कि एक मर्द लड़की के साथ शादी करता है। क्या आप बात करता है, क्या मैं लड़की नहीं हूँ? किसी तरह से नहीं। देख बिजली, तेरे साथ दोस्ती हो सकती है, प्यार और शादी नहीं। क्यों? इसलिए कि लड़की वो होती है जो लाज से सिमटी हो, देखने में, चलने में, बोलने में,
माथे पे बिंदिया सजे, पांव में झांझर बजे, मारे शर्म की आंखें झुकी हो और जब आंखें उठाकर देखे तो बस आदमी उन आंखों में देखता ही रह जाए। माथे पे सोने की बिंदिया जमाई, होठों पे फूलों की लाली लगाई, माथे पे सोने की बिंदिया जमाई, होठों पे फूलों की लाली लगाई, माथे पे सोने की बिंदिया जमाई, होठों पे फूलों की लाली लगाई, और ये मेहंदी लगाई,
मुखे बाज मेरे लिए बंदरिया छोड़कर आती है और नाचती है उस बंदर के आगे, कपड़े मुझसे मंगवाती है और सस्ती उसके लिए। हाँ छोड़, तेरे पैसे मिल जाएंगे। पैसे की बच्ची थोपड़ा तोड़ूंगा। मैं कोई तेरी जोरू नहीं जो मुझ पे हाथ उठाता है। हजार बार कहा कि मुझसे कोई उम्मीद मत रख, चल हटा सा छोड़। मंगलम गर्भगृह मंगलम पुनरी राजन श्री मंगलायतनो हरि कन्या को बुलाइए। आप बैठिए राम प्रसाद जी, मैं बुलाता हूँ। शानो बेटी शानो। जी पिताजी। बेटी अपनी सहेली को ले आओ, पंडित जी बुला रहे हैं। जी अच्छा। तू क्या सोच रही है? अब दीपा चली जाएगी पिताजी। अरे पगली, और नहीं तो क्या लड़कियां घर बैठती हैं? अगले साल तेरा भी नंबर आ जाएगा। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। सोच ले, लड़का बहुत खूबसूरत है और है भी डॉक्टर। डॉक्टर हो या कोई भी हो, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कैसी बातें करती है पगली, अब तो तू समझदार है, शहर से पढ़ लिख भी आई है। तो क्या पढ़ाई मैंने शादी करने के लिए की थी? कितनी बार कहा आपसे मुझसे शादी की बात मत किया कीजिए। बेटे तेरी माँ जिंदा होती तो मैं क्यों करता ये सब बातें, सब काम वही करती। और अब तो सब कुछ मुझे ही करना होगा ना, वो तेरे हाथ पीले हो जाएं तो मुझे भी अपने फर्ज से छुट्टी मिल जाए। और जिंदगी का क्या भरोसा कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। शेर सिंह
आपको कुछ नहीं होगा। मिल जीते जी तेरी शादी हो जाती तो कहा था ना जिंदगी का क्या भरोसा, कब्र पर वाले का बुला। ठाकुर भैया बेटी जब तक शेर सिंह साहब की मौत का बदला नहीं ले लेते पिताजी तब तक अपनी मांग नहीं भरूंगी। नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। बेटे इस वक्त तुझे मेरी जान की नहीं मेरी मदद की जरूरत है। शेर सिंह को किसी की मदद की जरूरत नहीं। रास्ता छोड़। भागना चाहते हो? भागने वाले शेर नहीं वो उस दिल कहलाते हैं बेटा। शायद तू जानता नहीं कि इस इलाके में मेरे नाम से सब कांपते हैं। इस वक्त तो तुम कांप रहे हो बेटे। चल हट। बेटे ये मंदिर है यहाँ हाथ प्रार्थना के लिए उठाए जाते हैं मारने के लिए नहीं। किधर गया होगा? किधर गया होगा? अरे इसी तरफ गया था। क्यों भाई गोविंद राम तुमने उस जख्मी डाकू को कहीं भागते हुए तो नहीं देखा? अरे मुझे तो लगता है कहीं भाग रहा है। देखते हैं। अरे पहले चलो मंदिर में चलकर बाबा से पूछे उन्होंने देखा हो। बाबा के पास। बाबा बाबा यहाँ किसी डाकू को आते हुए देखा? डाकू? भगवान का घर तो सबके लिए खुला है जहाँ लोग आते भी हैं जाते भी हैं कौन किस भेष में आए ये तो भगवान ही जाने। चलो चलो जंगल में देखते हैं वही छुपा होगा। काका शेरू नजर नहीं आ रहा। हाँ कुछ पता चला शेरू का? सरदार सब जगह ढूंढ लिया शेरू का कहीं पता नहीं चला। बापू उसका घोड़ा जंगल में जख्मी तड़प रहा था मैंने उसे गोली मार दी। गोली सीने में लगी थी सरदार लगता है मर गया होगा। नहीं मेरा दिल कहता है नहीं मर सकता। नहीं जाओ कहीं से भी जाके शेरू को ढूंढ के लाओ। पानी बेटी। जी बाबा। तेरा नफ्स का ख्याल रखना। ये बाबा बाबा लग गए बाबा। लगता है सारे गांव की बिजली चली गई। हे भगवान समझ सर बाबा और कितनी देर है बाबा? बस थोड़ी देर। उठ गए बेटा अब कैसे हो? लेटे रहो अभी कुछ दिनों चलना फिरना बंद है। रात खून बहुत पै गया था। मैं रात को बेहोश हो गया था क्या? मुझे करना पड़ा गोली निकालनी थी। गोली तुमने निकाली? हाँ भगवान की कृपा से तुम बच गए। ले जाओ। कैसे पुजारी हो तुम? तुम्हें कैसा लगता हूं?
जरूरत से ज्यादा चालाक लगते हो। अच्छा, सच और झूठ को तुम मानते हो ना? बेटा, ये तो सारी दुनिया जानती है, सब तो मेल जाते, सच की हमेशा जीत होती है। तो फिर कल गांव वालों को मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? तब तुम्हारा सत्यमेव जो भी है भूल गए थे क्या? बेटे, जिस झूठ से किसी को नया जीवन मिलता हो वो झूठ सच से कहीं ज्यादा पवित्र है। साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरे सर का इनाम चाहिए, 25,000 रुपए? मरा हुआ आदमी 25,000 को क्या, 25,00,000 में भी जिंदा नहीं हो सकता। पुजारी, हम डाकू किसी का एहसान नहीं रखते, अपने एहसान की कीमत बोल। पहले तुम ठीक हो जाओ बेटे, फिर मुझे उस बाजार में ले जाना जहां एहसान खरीदा जाता हो, बेचा जाता हो। पुजारी, यहां लोग मुझे बाबा कहकर पुकारते हैं, पुजारी नहीं। अगर मैं तुझे अपनी खुशी से कुछ दूं तो? दूसरों को लूटने वाले तेरे पास अपना है ही क्या जो तू किसी को कुछ देगा? तू क्या दे सकता है मुझे? मैं तुझे, तुझे क्या चाहिए? मुझे डाकू की बजाय एक अच्छा इंसान चाहिए। दे सकते हो? मुझे जान लेने वाले की बजाय जान देने वाला चाहिए। दे सकते हो? छीनना बहुत आसान है बेटे, लेकिन देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। शानो बेटी, दीप्ति साहब तुमसे मिलने के लिए आए हैं। बेटी, बेटी मुझे तुम्हारे पिताजी के मरने का बहुत अफसोस है। प्लीज, क्या सिर्फ अफसोस करने के लिए ही रह गई? नहीं नहीं, ये बात नहीं बेटी। मैं मानता हूं कि पुलिस तुम लोगों की हिफाजत के लिए है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पुलिस हर घर में हर वक्त रखी जाए। जरा सोचो बेटी, इतने बड़े गांव में सिर्फ 3-4 आदमी थे जो उन डाकुओं का मुकाबला कर सके। अगर उन्हीं की तरह कुछ और बहादुर आदमी होते तो क्या वो डाकू इस तरह साफ बच के निकल सकते? अगर इनमें से एक आदमी भी पकड़ा जाता तो पुलिस का काम कितना आसान हो जाता। लेकिन अफसोस तो यह है कि इनमें से किसी को भी बंदूक पकड़नी नहीं आती। और फिर बेटी, सर डाकू एक और आदमी को भी जख्मी कर गए, वो मंदिर में है। ओ, ऐसी? अच्छा बेटी, मैं चलता हूं। सुना है आप क्या कोई जख्मी है? भूषण, ओ भूषण, 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 तुम कहां चले गए थे? कहां गायब हो गए थे तुम? तुम्हें कितना ढूंढा, कितना तलाश किया, पर तुम समझा था कि तुम सचमुच, अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि तुम मिल गए। भूषण, मुन्ने का कुछ पता चला? पुलिस ना उसे ढूंढ पाई, और फिर अगर मैं किस्मत का इतना धनी होता तो मुन्ना उसी वक्त मिल जाता। भूषण, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, अगर मैं बीच में ना पड़ता तो तुम्हें ये जिंदगी भर का गम ना लगता, तुम्हारा मुन्ना तुमसे ना बिछड़ता। मगर मैं क्या करता, मैं मजबूर था, कानून के हाथों मजबूर था। बेटे, ये तुमसे मिलने आए हैं। हाँ हाँ, उठने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूं। तुम जैसे ही बहादुरों की जरूरत है जो शेर सिंह से मुकाबला कर सके। कहां के रहने वाले हो? बैठो खान, बैठो, घबराओ नहीं बेटे, ये तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया। क्यों, पुलिस से डरते हो? जी, मैं उतना ही डरता हूं जितना एक शरीफ आदमी को डरना चाहिए। किसी हद तक ये ठीक कहता है। तुमने बताया नहीं तुम कहां के रहने वाले हो? फतेहगढ़। गोली शेर सिंह के लगी थी ना? जी।
उसकी शक्ल देखी तुमने? जी हाँ। कैसा है देखने? नाक, नक्शा? जी नाक कुछ ऐसे ही था। और आंखें? भूरी, काली? जी नहीं, ना काली थी ना भूरी थी, कुछ बीच की ही थी। ओ, और उसका कद, लंबाई चौड़ाई? वो ऐसे ही लंबा चौड़ा था। ये तुम अपना हुलिया बता रहे हो या शेर सिंह का? लगता है गोली लगने से अभी तक घबराया हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? जी अमृत। जी हाँ अमृत। कितना पवित्र नाम है। अच्छा बेटे, मैं जाता हूँ, तुम आराम करो। आभूषण। शेर सिंह उसके साथी नकाब पहनकर हमेशा डाका डालते हैं, फिर तुमने उसकी शक्ल कैसे देख ली? जी वो नकाब तो पहना हुआ था, लेकिन छीना झपटी में नकाब मेरे हाथ में आ गई और वो भाग गया। ये देखिए, ये रही नकाब। इसकी तुमसे ज्यादा पुलिस को जरूरत है। चुप, कहाँ है वो? वही दुर्गापुर के मंदिर में। इतने दिनों से मंदिर में क्या कर रहा है वो? अरे असली घी का प्रसाद खा खा कर मोटा हो रहा होगा। सरदार, सारे गांव वाले उसे अमृत के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि अमृत ने डाकू शेर सिंह को मार के भगा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, शेरू ने शेरू को मार के भगा दिया। बापू, अच्छा है शेरू उसी मंदिर में है। अगर वो मंदिर के खुफिया खजाने का पता लगा ले तो हमें जिंदगी भर डाका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास माल ही माल होगा। मां, तू बहुत ज्यादा हो गया रे। कभी कभी सोचता है मगर अच्छा सोचता है। ए बिजली जी, शेरू को खबर कर दे कि उसी मंदिर में रहे और खुफिया खजाने का पता लगाने की कोशिश करे। चल काका। अम्बे माँ बोलो जय दुर्गे माँ बोलो, जय अम्बे माँ बोलो जय दुर्गे माँ, जय अम्बे माँ बोलो जय दुर्गे माँ बोलो, जय अम्बे माँ बोलो जय दुर्गे माँ, जय अम्बे माँ बोलो जय दुर्गे माँ बोलो, जय अम्बे माँ बोलो जय दुर्गे माँ।
बाबा, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप मुझे सहारा न देते तो मैं अभी तक पाप के अंधेरों में भटकता रहता। आप ही ने मेरे मन में उजाला किया है बाबा। अब मुझे यहीं रहने दो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सारी जिंदगी इन्हीं चरणों में काट दूंगा। जिंदगी कहीं भी रह कर काट लो बेटा, लेकिन तन का चोला बदलने से मन का चोला नहीं बदलता। मन के उस मैले चोले को जला दो, उजाला अपने आप हो जाएगा। अपने मन का उजाला तो तब होगा बुड्ढे, जब तेरा छुपा हुआ खजाना मिल जाएगा। क्यों? देख, अपना छुपा हुआ खजाना दे दे, अपनी जिंदगी सुधर जाएगी। सच बोलता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, खेल का खेल और माल का माल, एक लगोगे 5 रुपए कमाओगे। अब ये मर्द का बच्चा, ये मर्द का बच्चा गुब्बारे को उड़ा देगा और 1 रुपए के 5 रुपए कमाएगा। हेलो रुपया, अरे जल्दी निकालो यार, शाबाश। और ये लो बुद्धू, और दिखा दो अपना चश्मा और अपना चमत्कार। शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं लगा, नहीं लगा। कोशिश करो और कोशिश करो, कोशिश के मर्द में तो देखो था। अब बेटा, और क्या है? और नहीं है तो जाओ, पैसे वाले सामने आओ। नहीं है तो घर जाओ, बापू को बुलाओ, भाई को बुलाओ। अरे गांव को लूट लिया, फिर भी बोलता है लूट लो जाओ। अरे गांव की तो नाक कट रही है, कोई है माई का लाल जो 1 से 5 बना ले। आए मेरे सामने, आइए संभालिए संभालिए ना, और ठीक है। देखो उस गुब्बारे को उड़ा दो, और गुब्बारे को उड़ा दो। 1 के 5 1 के 5 1 रुपया दोगे, 5 रुपए मिलेंगे। ला लाओ ला लाओ, 1 रुपया 1 के 5 मिलते हैं। लाओ और चलाओ बंदूक। इधर। अरे मिट्टी के शेर, तुम्हें बंदूक भी नहीं चलानी आती, जहाँ रखो। और दुबाओ घोड़ा। शाबाश शाबाश। खैर कोई बात नहीं, आपके निशाना गुब्बारे पे लगाना। लाओ 1 रुपया।
अरे 10 रुपए यानी 10 निशाने। जी हाँ, लो लो मछरा भर दो। लो लो मुझे भरना वहाँ क्या है। और निशाना ठीक भी करना होता। निशाना भी ठीक करना होता है तो देखें देखें। आदमी का निशाना तो बहुत तेज है, क्यों ना मैं इसी से बंदूक चलाना सीख लूं। चल पैसे निकाल और तुम्हारे लगा। ये लो पैसे, ओ मेरे बाप, मुझे बख्श दे, मेरे पास ना पैसा रहा ना गुब्बारा। अरे बगल से फंसा ना पाए। अरे बहुत ललकार रहा था तू गांव वाले को। चल पैसे निकाल। सारी पूंजिया मैं लूट गया, मैं मार गया। सुनो जिस जिसके हैं बांट लेना। अरे मैं तुम्हारी तुम्हारा जख्म बिल्कुल ठीक हो गया है, फिर भी एहतियातन 2-3 दिन तक एक गोली रोज खाते रहना। रानी आई बाबा। अमृत के लिए एक गिलास पानी लाना। अभी लाती हूँ बाबा। अरे शानू तू सुबह सुबह कैसे आ गई। बाबा मैं इसलिए आई थी कि। हाँ तो क्या बात है। मैं बंदूक चलाना सीखना चाहती हूँ। अरे ये अचानक तेरे दिमाग में क्या आ गया। बस ऐसे आदमी को अपनी रक्षा तो करनी चाहिए ना बाबा, और गांव में डाकू भी आते रहते हैं। अमृत जी पानी। कैसी हो रानी। अच्छी हूँ। सुना तुमने बेटी, शानू बंदूक चलाना सीखना चाहती है ताकि डाकुओं से गांव वालों की रक्षा कर सके, और वो भी अकेले। अकेले क्यों बाबा, आज शानू सीखेगी तो कल दूसरे गाँव वाले भी सीखेंगे, किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ बंदूक चलाना किसे आता है। आपके अमृत जी को। हाँ बाबा मैंने सुना कि कल इन्होंने गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे तोड़ दिए और गांव वालों के सारे पैसे जीत कर वापस दे दिए। पैसे वापस दे दिए। जी अमृत, तुमने गांव वालों के पैसे वापस करवा दिए। तुम्हारे दिल में ये वो तो खेल था, खेल खेल में बहुत सारे रुपए लूट लिए थे उसने। तुम्हें लूटना बुरा लगा। हाँ बाबा, ये ना होते तो वह सबको लूट कर ले जाता। इनका निशाना बहुत तेज है, इनसे कह दो ना कि मुझे सिखा दें। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये लड़की और मैं, तुम तो जानते हो। हाँ बेटे मैं सब जानता हूँ, लेकिन जो कुदरत चाहती है वो ना तुम जानते हो न मैं जानता हूँ। अमृत, बंदूक की गोली किसी की जान लेने के लिए भी चलाई जाती है और जान बचाने के लिए भी। शायद तुम्हारे सिखाने से किसी का भला हो जाए। कभी कभी दूसरे का भला करते करते आदमी अनजाने में अपना भला भी कर देता है, और बेटे भलाई में ही भगवान है। हाँ मैंने भी काम फंसा दिया है, सुबह से दोपहर हो गई अभी तक इसे बंदूक पकड़ने नहीं आई। ओहो बंदूक ठीक से पकड़ो, ठीक से, यहाँ निशाना लगाओ। लगा तो रही हूँ। ठीक से पकड़ो, यहाँ यहाँ ऐसे, चलो गोली चलाओ, चलो चलाओ गोली। चलाओ गोली चलाओ गोली। इतना बड़ा डब्बा है तुम्हें दिखाई नहीं देता। धक्का लगता ना डर के मारे आंखें बंद हो जाती, अब कंधा भी दर्द करने लगता। अगर इसी तरह सीखोगी तो कंधा टूट भी सकता है। डांटते क्यों आप, पहला दिन ही तो है आज। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें सारी उम्र सिखाता रहूंगा, सुबह से एक भी निशाना लगाया क्या। कोशिश तो कर लू, कभी ना कभी लग ही जाएगा। हाँ हाँ कभी ना कभी तो लग जाएगा। देवी जी ये बंदूक है, घर का झाड़ू नहीं। अच्छी खासी खूबसूरत लड़की हो, क्या शादी क्यों नहीं कर लेती। नहीं करनी मुझे शादी। क्या करना है, डाकू मारना है। एक बार डाकू सामने आ गया ना तो पसीना छूट जाएंगे। कभी देखा है डाकू को।
देखा और बहुत सौ को देख लूंगी, नहीं सिखाना तो मत सिखा, नहीं सीखना मुझे। ठीक है मत सीखो, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें सिखाने का। पता नहीं क्या समझता अपने आपको, पता नहीं क्या समझती अपने आपको। तुमने बाबा से उल्टी सुल्टी शिकायत कर दी तो बाबा ने सिखाने को बोला इसलिए कह रहा हूं, सीखना हो तो कल आ जाना। मुझे नहीं सीखना, नहीं सीखना, नहीं सीखना। से तुम्हारी चारपाई बड़ी चरमराती है। वो बाबा वो करवटे लेता हूं ना शायद इसलिए, और आप तो जानते ही हैं कि डाकुओं का धंधा तो रात ही को होता है, इसलिए ना सोने की आदत सी पड़ गई है। जब से तुम आए हो मेरी भी रातों की नींद उड़ गई है। जी कुछ नहीं, लो बेटे तो प्यार सो जाओ, मेरे होते हुए तुम्हें जागने की क्या जरूरत है। अब तक तो आ जाना चाहिए, लगता है सचमुच नाराज होगी। आप बात क्या करते हैं, जाने क्या समझता अपने आपको, नहीं सिखाना तो मत सिखाए। ठीक है सीखना होगा तो अपने आप आके हाथ जोड़ेगी। मैंने कब से तुम्हारा इंतजार। चलो चलो ठीक है, निशाने की तैयारी करो, मैं तो बाबा की वजह से आ गया। वरना वरना क्या, नहीं सिखाना चाहते तो मैं चली जाती हूँ। तो फिर यहाँ किस लिए आई हो, बंदूक से क्या है, तुम्हारी डांट सुनने नहीं। मैं क्या तुम्हें डांट रहा हूँ, जोर से बोलना डांट थोड़ी होता है शानू जी। अब कैसे जी बोला आपने। जी ओ समझ गया जी। देखो जी शानू जी, सबसे पहले आप इस बंदूक जी को अपने कंधे जी से लगा के रखिए जी। हाँ जरा मजबूती जी से पकड़िए जी। अब इस डब्बे जी को देखिए जी, देखिए जी। ऐसे नहीं शानो जी, आप सिर्फ अपनी एक मोटी मोटी सुंदर सुंदर आग जी खोल के रखिए जी। हाँ आप निशाना लगाइए जी, और हाँ अगर वो डब्बा जी छोटा हो जी तो एक ड्रम जी को ला के रख दो जी। अब निशाना लगाऊं जी या जी सुनती जाऊं जी। नहीं जी लगाइए जी, लगाइए जी। शानो जी निशाना तो ठीक लग गया जी। और बता अब किसे निशाना बनाओ। अब तो तुम जिसे चाहो निशाना बना सकती। बताओ ना। लो इसको निशाना लगाओ। क्यों डर लगता है, घबराओ नहीं, तुम्हारी गोली से मैं मरने वाला नहीं। नहीं नहीं कोई और चीज बताओ ना। और चीज हाँ वो लाल फूल नजर आ रहा ना, उसे उड़ा दो। नहीं फूल नहीं। क्यों खूबसूरती बर्बाद करने के लिए नहीं होती। देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। तुम्हें पसंद है, बहुत खूबसूरत है।
अरे कहाँ चल रही है? फूल एक फूल के लिए अपनी जान पे खेलने की क्या जरूरत थी? कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें पसंद था ना? तो क्या मेरी पसंद के लिए तुम अपनी जान? अशानु जी फूल तो अपने हाथों से लगा दो। कहाँ लगा दो? अमृत जी। जी। यहाँ आइए। आजी। एक बात बताऊँ? बताइए जी। आजी। बिल्कुल बुद्धू है। आज तो लगता है कि आप घर से किसी की जान लेने के लिए निकली हैं। लोग जब खुद ही अपनी जान देने चले आए तो हम क्या करें? बात क्या है? आज बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। क्यों? आप खुश नहीं? मेरा तो आज सर भारी है, सारी रात ठीक तरह से सो नहीं सका। क्यों? बस यूं मैं आपके सपने देखता रहा। मेरे सपने? क्या देखा आपने सपने में? जी मैं आपको बता थोड़ी सकता हूँ। ये क्या, मेरे सपने मुझे नहीं बताएंगे? क्यों, शर्म आती है? अच्छा ऐसा करो, मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। किसी को नहीं बताओगी? वादा? वादा। कल रात मैंने सपने में आपको आपको यूं उठाया और यूं घुमाया और जोर जोर से चिल्लाता रहा कि शानो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, और अचानक तुम्हारे हाथ से निकल गया। अरे आप तो सचमुच गिर गई। ये भी कोई ढंग है? ऐसे प्यार करोगे तो मेरी हड्डी बखली टूट जाएगी। माफ कर दीजिए जी, क्या है पहला पहला प्यार है ना, दो चार लड़कियों से प्यार कर लूंगा तो अपने आप सीख जाऊंगा। क्या जी? मेरा मतलब है आपसे, आपसे दो चार बार प्यार कर लूंगा ना तो। तुम्हारा प्यार बुद्धू, प्यार क्या होता है ये जानते भी हो? क्या होता है? प्यार इश्क होता है और इश्क करना बहुत मुश्किल। मुश्किल? लेकिन मुझे तो बहुत आसान लगता है। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग सा दरिया है, डूब के जाना है, समझे बुद्धू? नहीं समझा। प्यार तकदीर जगमगाता है, रंग जीवन में जमाता है, प्यार बंदूक पर नहीं नादा, सबको इंसान ये बनाता है। अभी भी नहीं समझे? अब भी नहीं समझा। मोहब्बत करके देखो, किसी पे मर के देखो, मोहब्बत आग भर दे के पत्थर मोम कर दे। समझ में कुछ नहीं आए, साथी मेरे बन जाना, समझोगे अपना, साथी मेरे बन जाना, समझोगे अपना, ओ जाने जाना प्यार को न जाना, ओ जाने जाना प्यार को न जाना।
पानी में लग गई आग जैसे पानी में, एक हलचल सी हो गई पैदा मेरी खामोश नौजवानी में। अभी तो इब्तिदा है, अभी देखा ही क्या है, मोहब्बत जिंदगी है, मोहब्बत ही खुदा है। लगती हो तुम तो प्यार की देवी, मन मंदिर में आन बसो दी। आई समझ में प्यार की गीता, प्यार किया भगवान को जीता। मैं हूँ तेरा दीवाना, मैं हूँ तेरा परवाना, मैं हूँ तेरा दीवाना, मैं हूँ तेरा परवाना। ओ जन जाना प्यार में जाना, ओ जन जाना प्यार में जाना। पहले आँख मिलाना, फिर गले से लगाना, फिर गले से लगाना। da 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 तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तेरे लिए वहां तड़पती रहती हूँ और तू यहाँ मजे ले रहा है। अगर तुझे मुझसे कोई मतलब नहीं तो ले ये छुरी, घोंप दे मेरे सीने में, मार डाल मुझे। शेरू शेरू मत कह, कोई सुन लेगा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। जब मेरा ही खेल खत्म हो गया तो मुझे किसी के खेल की परवाह नहीं। बता कौन थी वो लड़की? अरे चिल्ला मत, वो पुजारी की लड़की की सहेली है, रोज मंदिर आती जाती है। तो यहाँ कौन सा मंदिर है, तेरे पास क्या लेने आई थी? अरे वो पागल है, खामखा मेरे पीछे पड़ी है। सच कहता है ना, तेरा तो उससे कोई चक्कर नहीं। अरे सच कहता हूँ बाबा, और बिजली जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे सब पर विश्वास जमाना है कि नहीं? ठीक है चल, सरदार ने बुलाया तुझे। अभी नहीं, तू चल, मैं किसी बहाने से आ जाऊंगा। पक्का? पक्का। शेरू सचमुच उस लड़की से कोई चक्कर नहीं है? ओहो, तू इस चक्कर में क्यों पड़ी है? देख देख, तू चल, सरदार से कहना मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। मैं चलता हूं। चेरू कमाल है तुम्हारा भी, ना कोई खबर ना पता, बैठो बैठो। खजाने कुछ पता चला? हाँ, वो इतना तो पता चल गया कि पुजारी के कमरे में कोई रास्ता है। हमें रास्ता नहीं शेरू, मंजिल चाहिए, मंजिल। लो देओ। नहीं नहीं सरदार। क्यों? इसे चरनामत की आदत हो गई है सरदार, शराब इसे अब कड़वी लगेगी। शेरू आता है ना तो जैसे सब में जान आ जाती है। जान आ जाती है? अरे हाँ, जाना जाती है, वाकई जाना जाती है यार। लो पियो। नहीं ले, पी ना यार, मैंने कहा ना नहीं थी। क्या है सरदार, वहां शरीफ आदमी बन के रहना पड़ता है ना, और फिर बाबा को भी अच्छा नहीं लगेगा। साफ क्यों नहीं कहता कि उस लड़की को पसंद नहीं? लड़की? गांव की एक लड़की है सरदार, उसने मुझ पर कुछ शक्सा हो गया इसलिए। शक्सा हो गया? हाँ काका। नहीं चलो, तुम दुर्गापुर नहीं जा सकते। काका मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। किस लिए, किस लिए जरूरी है? खजाने के लिए, खजाना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना सरदार। क्यों भी ना? हाँ बापू, हमें खजाना चाहिए, इसे जाने दो। काका तुम शेरू वो का... सरदार वहां कोई खतरा नहीं है। ठीक है तुम गांव चले जाओ, लेकिन खजाना मुझे 10 दिन में नहीं मिला ना, तुम लौटा वहां से। ठीक है सरदार। शेरू। अरे काका तुम, मैं तो तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था। देख शेरू, मैं जानता हूं तेरे दिल में क्या है, मैं सब कुछ समझ गया हूं, पर बेटे जो तू सोच रहा है वो नहीं हो सकता। काका क्या मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकता? नहीं जी सकता शेरू,
वह को जिंदगी जीना नहीं जानता, वो दूसरों की जिंदगी छीनना जानता है, और छीनने वाला तभी इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता। लेकिन काका वहां सब मेरी इज्जत करते हैं, तुम मेरे साथ चलकर देखो, वहां की जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। जी चाहता मैं हमेशा के लिए वहां रह जाऊं। नहीं बेटा, ऐसा सोचना भी मत, मुझे डर है कहीं वो खूबसूरत जिंदगी तेरी जान ना ले ले। काका? हाँ शेरू, जब उन गांव वालों को पता चलेगा कि तुम डाकू शेर सिंह हो, तब सारा प्यार नफरत में बदल जाएगा। इधर जालिम सिंह की नजर में तुम गद्दार बन जाओगे, और तब मेरे शेरू के लिए कहीं जगह ना होगी। काका, क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कोई जगह ना होगी? बेटे, मेरे दिल से तो हमेशा तेरे लिए दुआ निकलती है। तो फिर मुझे आशीर्वाद दो काका, तुम्हारे शेरू को कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूं। जीते रहो बेटा। आज पूरे 21 बरस हो गए हैं सरस्वती, तेरे मुन्ने को गुम हुए, जिंदगी से थक सा गया हूं, न जाने वो कहां है, कैसा है, वो अभी आने और आने। पापा, रानी कहां है? वो रसोई घर में है। अच्छा, अरे रानी चल जल्दी से खाना निकाल, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। चल चल थाली कटोरी मैं निकालता हूँ, चल चल जल्दी से दे। हाँ बाबा ने खाया? नहीं। और तूने? नहीं। क्यों, आज कौन सा व्रत है? आज हम खाना नहीं खाते। लेकिन क्यों? आज के दिन मेरी माँ मर गई थी और मेरे भैया गुम हो गए थे। तू खा बेटे, ये तो पगली है, ऐसे ही पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। सुबह से कह रहा हूँ खाना खा, खाना खा, नहीं जिद किए बैठी है। आपने जैसे खा लिया, सुबह से पानी तक नहीं पिया, आखिर ये कब तक चलेगा बाबा? न माँ का प्यार मिला, न भाई का दुलार, और आपको भी कुछ हो गया? नहीं नहीं, नहीं बेटी, ऐसा ना कर, मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम फिक्र न कर बेटी, ऐसा ना कर। रानी तूने कैसे कह दिया कि तेरा कोई भाई नहीं? मैं जो हूँ, क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं मानती? हाँ रानी, शानो, कहीं ये सब सपना तो नहीं? ऐसा ना कहो अमृत, तुम लोग ये खुशियां लाए हो मेरे जीवन में। नहीं शानो, ये खुशियां सब तुम्हारी वजह से हैं। तुम्हारी वजह से? तुम्हारी वजह से? तुम्हारी वजह से? तुम्हारी वजह से है। ये बीच में क्या आ गया? भगवान, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे और ऐसे गलत कामों से रोकेंगे। पर ये गलत काम तो नहीं है? है। नहीं है? है। नहीं है? है। नहीं है? मैं कहती हूँ है। नहीं है, नहीं है, नहीं। मानता हूँ प्यार दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है,
अगर उसमें सच्चाई हो तो। बाबा, अमृत नाम देकर आप ही ने डाकू शेर सिंह की जिंदगी का सारा जहर खत्म कर दिया। आप ही विश्वास नहीं करेंगे? मेरा यकीन मानिए बाबा, अब मेरे मन में कोई खोट नहीं, कोई मैल नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, आओ मेरे साथ। ये लो बेटा डाकू शेर सिंह के कपड़े। जब मन का मैल धुल चुका है तब तन के गंदे चोले का क्या काम। लो जा, इसे अपने हाथों से फेंक दो, अपने आप से हमेशा के लिए दूर कर दो। जा जा। एक बात तो बता, तुझे भैया को सचमुच बहुत प्यार करती है? हाँ रानी, तेरे भैया हैं ही इतने अच्छे, उनसे कौन प्यार नहीं करेगा। तो मैं भैया से कहूँ कि तुझे जल्दी ब्याह के लिए आए? नहीं रानी, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। क्यों? मैंने कसम खाई है, तब तक अपनी मांग नहीं भरूंगी जब तक। जब तक पिताजी की मौत का बदला नहीं ले लेती। बदला? किससे बदला लेना है तुझे? उसी से रानी, जिसने मेरे पिताजी की जान ली, डाकू शेर सिंह। यार लटू राम, इन छोटी छोटी चोरी से तो तंग आ चुका हूँ। क्या मतलब? यानी के किसी के आम चुरा लिए, किसी की मूंगफली उठा ली, किसी की पॉकेट मार ली, किसी के जूते चुरा लिए, पकड़े गए तो जूते खा लिए। अरे बड़ा हाथ भी मारे ये लट्टू राम, बस जरा बड़ी आसामी तो नजर में फंसने दे यार। आसामी फंसेगी? अरे यहाँ सुबह से एक मछली नहीं फंसी, और कह रहा है आसामी फंसेगी। फंसी? अरे फंसी, अरे मछली फंसी। अरे अरे गुलाब, अरे गड्डी टूट गई मछली। अरे क्यों चिख रहे हो भाई, क्यों चिख रहे हो, क्या हो गया? अरे जल्दी खोल गुलाब, जल्दी खोल, जल्दी। कारतूस कपड़े? शेर सिंह, ये तो डाकू शेर सिंह के कपड़े लगते हैं। गुरु, इसको तो कोई भी नहीं जानता। यानी कि पुलिस भी नहीं पहचानती? इसको किसी ने देखा तक नहीं। इसका मतलब है कोई भी डाकू शेर सिंह बन सकता है। अरे
अरे दर्शन भैया क्या कहाँ जा रहे हो? अमृत भैया रानी को डाकू शेर सिंह उठा के ले गया है। कौन ले गया? डाकू शेर सिंह। खुशी से जो आग जल के मर गया, जिंदा हाथ में आ जाता तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देती। बेटी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अमृत ने वक्त पर आकर रानी की जान बचा ली, पूरे गांव की लाज रख ली। बोलो अमृत की, अमृत की। आज अमृत की जय जयकार सुनकर मेरे विश्वास का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। बेटे, रानी का सगा भाई भी होता तो वो भी शायद इतना कुछ न पड़ता था जो तुमने किया है। अब रानी की जान बचाकर तुमने सचमुच मुझ पर इतना बड़ा। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए बाबा, शेरू की जिंदगी पर डाकू शेर सिंह का हक था। अमृत की जिंदगी आपकी देन है, इसके मालिक आप हैं। अमृत, 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 आज देखो तुमने, देखो तुमने लोग तो तुम पर कितने खुश हैं। हाँ बाबा, आज उनकी खुशी देखी मैंने और उस खुशी के पीछे छुपी हुई नफरत भी देखी मैंने। शेर सिंह के लिए गांव वालों के दिलों में इतनी घृणा है, इतनी घृणा है कि अगर वो देवता बनकर भी उनके सामने आए तो उसे वे माफ नहीं करेंगे। जिस दिन मेरी असलियत का पता चलेगा तो वे तब तक वक्त बहुत आगे निकल चुका होगा बेटे। उस वक्त मेरे अमृत के नाम के दिए जल रहे होंगे घर घर में, हर आदमी की जबान पर तेरा नाम होगा। अमृत की नेकियां, अमृत का बलिदान, अमृत के प्यार का इतना गुलाल इस गांव के आकाश पर छा चुका होगा कि शेर सिंह के नाम का सितारा कब टूटा और कब गुमनामी की धूल में मिल गया ये कोई ना जान सकेगा। ऐसा हो सकता है बाबा? हाँ, हाँ बेटा, मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे जगदम्बे माँ पर विश्वास है। अब तू अकेले अमृत बन चुका है बाबा। हाँ, आओ मेरे साथ आओ।
सामने मोमबत्ती है, उसे जला दो। जो बरसों से भक्त लोग इस मंदिर में चढ़ाते आ रहे, बेटे बरसों पहले यह मंदिर एक राजा ने बनवाया था और उसी राजा ने देवी मां के लिए ये जेवर भी बनवाए थे। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरे बाद ये सब तुम्हारी रक्षा में रहेगा। हां बेटे, कभी भी कोई जरूरतमंद दीन दुखी तुम्हारे पास आए तो इस चढ़ावे में से उसकी मदद कर देना। ये प्रसाद सब उन्हीं लोगों के लिए है। नहीं बाबा, नहीं, ये हाथ अभी इतने पवित्र नहीं हुए कि इस प्रसाद को छू सके। नहीं, तू तो बहुत आगे निकल के आ बेटे, बहुत ऊंचा उठ गया। किसने मारा शेर को? मैं कभी जानता था जिस घर में आग लगी थी उसी घर में शेर था। मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं जानता था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। सारा प्लान फेल हो गया। अब खजाने का क्या होगा? नहीं मां, बाबा हम उस बाम को जरा तो नाश कर देंगे। हम अपने शेर का बदला लेंगे। हम बदला जरूर लेंगे और सबसे पहली गोली उसके सीने में लगेगी जिसने हमारे शेरू की जान ली। नहीं नहीं, अभी नहीं। इस वक्त वहां पुलिस हो, पुलिस का मतलब है खतरा। पहले उसका पता लगाओ जिसने शेरू की जान ली है। मुझे आज ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस इलाके को डाकू शेर सिंह के जुल्मों से छुटकारा दिलाने का सेहरा आप ही के गांव के इस नौजवान अमृत के सर है, जिसे जल्द ही 25,000 रुपए का सरकारी इनाम मिल जाएगा। हमारी भी दुआएं ले लो बापू, सचमुच बड़ा जुल्मी था वो, हमारा तो सब कुछ लूट के ले गया। सच बाबू, तुम्हें देख के दिल बहुत खुश हुआ। चलो हमारे साथ हमारे कबीले में, हमारा सरदार तुम्हें देख के बहुत खुश होगा। आओ बाबू। नहीं नहीं, आज ही कहीं नहीं जाएंगे। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हम नाचेंगे गाएंगे खुशियां मनाएंगे। आजारी, 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 आजारी।
इतना प्यार दिया है दीवानों को, सहन सकेंगे तेरे एहसानों का, तुमको हमारी उम्र लगे, इतना से जाकर गांव में एक नई जिंदगी बसाना चाहते। हाँ सरदार, इसलिए आपका आशीर्वाद लेने आए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन एक बात बता सकते हो शेरू, गांव की जिंदगी में ऐसी कौन सी कशिश है जिसकी वजह से तुम हमको अपने सारे साथियों को छोड़ के हमेशा के लिए जाना चाहते? सरदार, यहां की जिंदगी और वहां की जिंदगी में बहुत फर्क है। यहां हम दूसरों के आंसू बहाते हैं, वहां दूसरों के आंसू पहुंचे जाते हैं। यहां हम अपने लिए दूसरों की खुशियां लूटते हैं और वहां दूसरों के लिए अपनी खुशियां बांटी जाती है। अच्छा बांटते हैं खुशियां, क्या है सरदार? काका, आप दोनों ने मुझे बेटे की तरह पाला है, मैं तो आपसे भी कहूंगा, बल्कि इन सबसे कहूंगा कि छोड़ दो उस नरक को, यहां रखने क्या है, नफरत ही नफरत, मौत ही मौत, और वहां हर तरफ जिंदगी है, मुस्कुराहटे हैं, खुशियां हैं, और खुशी वो चीज है जो बताई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। आप बेवकूफ, शेर तुम लोगों में खुशियां बांटने के लिए आया है और तुम इसका शुक्रिया अदा भी नहीं करोगे? हम तेरा शुक्रिया अदा करेंगे शेरू। सरदार, मैं इजाजत नहीं आशीर्वाद लेने आया था, और फिर अब तुम इस काबिल भी नहीं रहे। शेर को हमारा आखिरी आशीर्वाद दे। समझ गया।
भीमा, भीमा, जाने दे शेरू को, जाने दे। चल हट। भीमा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। बाबू का तो नहीं सुना तूने? भीमा, भीमा। ठीक हो ना? हाँ बेटा। तो मैं भीमा से निपट के आता हूँ। नहीं बेटा, पहले मेरी बात सुन ले। मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ है। तू डाकू नहीं। क्या? मैं जानता हूँ। तेरे जगह में शरीफ खून है। काका। काका, तुम मेरे बारे में जानते हो क्या? कौन हूँ मैं? किसका बेटा हूँ? बेटा, तेरा, तेरे माँ पे। हाँ काका। बहुत बड़ा डॉक्टर है बेटे। डॉक्टर? लेकिन नाम क्या है उनका? डॉक्टर, डॉक्टर विद्याभूषण। कहाँ काका, कहाँ? जमुना नगर। जमुना नगर? काका, 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 जालिम सिंह को सब कुछ मालूम है, लेकिन लेकिन तुम उसके पास मत जाना, तुम उसके पास मत जाना, अपने बाप के पास आना, अपने बाप के पास आना। काका, अपने बाप, काका, काका। जान दे दे पिछली, अपनी जान दे दे पिछली। चल, तू भी मेरे साथ चल। अब तेरा यहाँ क्या है? नहीं, तू ही जा शेरू, मैं यही रहूंगी। काका के मर जाने का मुझे अफसोस है साथियों, लेकिन गद्दार गद्दार होता है और गद्दार की सजा है मौत। लेकिन शेरू हाथ से निकल गया, अब उसका क्या होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ देना, तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? अगर वो पुलिस में चला गया तो यहां सबकी जान को खतरा है सरदार, ये जगह में सारा चल देना चाहिए।
तुम्हारी जान की फिक्र तुमसे ज्यादा तुम्हारे सरदार को है। खतरा किसकी जान के लिए है ये वक्त बताएगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो असली नहीं नकली शेर सिंह था जो आग में जल के मर चुका। सोना असली हो ना तो आग में कभी जलता नहीं, और डाकू असली हो तो पुलिस के हाथ कभी लगता नहीं। और फिर शेर सिंह का ये छोटी छोटी दुकानों से छोटा छोटा माल लूटना और शराब के नशे में किसी अंधी लड़की को उठा के ले जाना, छी 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 छी, शेर सिंह ऐसी नीच बातें सोच ही नहीं सकता। आप क्या सोच रहे हैं जी आपके बारे में? मेरे बारे में? सात चाय, एक और चाय लो। अच्छा जी, मैं सोच रहा था मिस्टर, आपका नाम क्या है? सिंह, के सिंह। ऐसे अवश्य सिंह, मैं ये सोच रहा था कि शेर सिंह के बारे में काफी मालूम आते हैं आपको। जी हाँ, इसलिए तो हाजिर हुआ हूँ डिप्टी साहब। अच्छा किया आपने, हम पुलिस वालों को कानून की मदद के लिए आप जैसे आदमियों की हमेशा जरूरत रहती है। अच्छा एक बात बताइए जी, क्या ये सही है कि शेर सिंह की शक्ल सिर्फ उसके गिरोह वालों ने देखी है और किसी ने नहीं देखी आज तक? जी हाँ, डाका डालते वक्त सारे का सारा गिरोह नकाब पहना हुआ पाए, लेकिन डिप्टी साहब हमारे पास भी देखने वाली वो आंख है जो नकाब चीरती हुई चली जाए। ओ, बहुत खूब। वैसे हम पुलिस वालों को भी ऐसी ही निगाह रखनी पड़ती है मिस्टर सिंह। आपने ये नहीं बताया कि जो शेर सिंह का आपने जिक्र किया है वो है कहाँ? यही तो बताने के लिए आया था डिप्टी साहब। दुर्गापुर के मंदिर में अमृत नाम का एक लड़का आजकल ठहरा हुआ है, वही अमृत शेर सिंह है। डिप्टी साहब, हमने अपना फर्ज निभा दिया है, अब आप अपना फर्ज निभाइए। जालिम सिंह, हमें अपना फर्ज नहीं निभाना दोगे? बहुत खूब डिप्टी साहब, हम मान गए कि आपके पास भी देखने वाली आंख है, जरा उसी आंख से बाहर देखिए। कैसे आना होगा? अमृत कहाँ है? अमृत के लिए शेर सिंह की मौत का इनाम लाए हो क्या? इनाम जरूर ले आता भूषण, अगर अगर शेर सिंह बाकी मारा गया होता। और तुम अच्छे तरह जानते हो कि शेर सिंह मरा नहीं, जिंदा है। मेरी समझ में नहीं आता कि धर्म और सच्चाई की जिंदगी जीने वाले ने झूठ का सहारा क्यों लिया। मैंने कोई पाप नहीं किया कान, मैंने जो कुछ किया है वो मेरा धर्म था। डाकू और खूनियों के जुर्म पे पर्दा डालना तुम्हारा धर्म है, देश के कानून को तोड़ने को आज तुम अपना धर्म मानने लगे हो? कैसा कानून खान, कौन सा कानून, किस कानून की बात कर रहे हो तुम? उस कानून की तो मेरे बेटे का 21 साल तक पता ना लगा सका। इस बात का मुझे अफसोस है भूषण, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम कानून के दुश्मन हो जाओ। तुम्हारा ये फर्ज था कि तुम उसे मेरे हवाले कर देते। तुम्हारे हवाले कर देता तो तुम क्या करते? उसे सजा देते, उसे जेल में बंद कर देते, और फिर एक दिन वो जेल से बाहर आता, फिर किसी का बच्चा उठता, फिर कोई ममता की मारी मां अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देती, और किसी बाप की बाहें अपने बेटे को गले लगाने के लिए बरसों तरसती रहती। नहीं,
नहीं खान, नहीं, ये धर्म तुम्हारे कानून से बहुत ऊंचा हो, ये बुराई को सजा से नहीं, अच्छाई से, प्यार से, क्षमा से जीतना सिखाता है। मेरा धर्म जिंदगी छीनता नहीं खान, जिंदगी देता है। अरे यही है जिसने हम सबसे झूठ बोला, ये पुजारी भी डाकुओं से मिला हुआ है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। साहब ये अमृत ही डाकू शेर सिंह है, इस पुजारी ने हम सबसे झूठ बोला है, इसी ने मंदिर में डाकू को पाल रखा है। ये ठीक है कि अमृत ही डाकू शेर सिंह है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग कानून अपने हाथ में ले लो, ये काम पुलिस का है। हम ये जान से मार देंगे। अरे पहले इस पुजारी को पकड़ो। अरे देखते क्या, मारो इसको। खबरदार, किसी ने कोई गड़बड़ की या आइंदा इन्हें किसी तरह की तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सब को हवालात में बंद कर दूंगा। अरे अरे यहां से चलो भागो, भागो। भूषण, ये जो कुछ हुआ इसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन मैं अपने फर्ज से मजबूर हूं। तुम अपना फर्ज निभाओ खान, इसकी जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा भूषण। हाँ वैसे अमृत कहाँ है? यकीन जानो तो मुझे भी उसका पता नहीं, पिछले दो दिन से न जाने कहां चला गया है। ओ भूषण, इस केस के सिलसिले में अगर जरूरत पड़ी तो मुझे यकीन है तुम यही मिलोगे। अच्छा मैं चलता हूं। आप अच्छा नहीं किया बाबा, सब कुछ जानते हैं, आपने अच्छा नहीं किया। रानी बेटी, ये अचानक शानू को क्या हो गया है? बाबा, शानू के पिताजी शेर सिंह की गोली से मरे थे। मैनेजर साहब, आप जानते हैं डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मेरा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। बेटे, उनका पता तो किसी को भी नहीं। किसी को नहीं? आपको कुछ तो मालूम होगा। बस इतना ही सुना है, वो जो मुझसे पहले यहाँ के मैनेजर थे उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा डॉक्टर साहब बहुत शरीफ इंसान थे, यहाँ के माने हुए सर्जन, लेकिन एक रात कुछ बदमाश दौलत की लालच में उनके बेटे को उठा ले गए और उनकी पत्नी का खून कर दिया। खून? और ये भी सुना है कि वो अपने बेटे के लिए बहुत तड़पे, बहुत तलाश की, लेकिन कुछ पता न चला। और एक दिन डॉक्टर साहब निराश होकर न जाने कहां गुम हो गए, और जाते समय वो अपनी पत्नी की याद में इस बंगले को अनाताला बना गए। वो उसी देवी की तस्वीर है। दिल ढलने लगा, दिल ढलने
शेरू। हाँ सालिम सिंह, मेरी इस घिनौनी जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? बोल। कौन है वो जिसने मेरी माँ को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया? बोल सालिम सिंह, काका ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया काका ने तुझे? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। वो मेरा बाप का है। इसका मतलब है काका ने तुझे कुछ नहीं बताया शेरू, लेकिन तुझे सब मालूम है। बोल नहीं तो मैं तेरे जिस्म के चीतड़े बनाकर हवा में उड़ा दूंगा। बोल नहीं शेरू, तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि तू जानता है कि मैं सिर्फ एक आदमी हूं जो तेरे हर सवाल का जवाब दे सकता है। भगवान के लिए सालिम सिंह, बोल मेरा बाप कहां है? वो किस हाल में है? वो जिंदा है या? इतनी जल्दी नहीं बच्चे, इतनी जल्दी नहीं। सालिम सिंह के जुल्मों से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। बिना लिए जालिम सिंह कुछ नहीं देता। क्या चाहिए तुम्हें? मंदिर का खजाना? नहीं, लगता है तुम्हें बाप से प्यार नहीं। सोच कुछ ऐसी। नहीं जालिम सिंह, मैं ये जिंदगी छोड़ चुका हूं। मुझे भगवान के लिए दोबारा डाकू मत बना, मैं ये जिंदगी छोड़ चुका हूं। शेरू, खजाने की कीमत बाप से ज्यादा नहीं। जाके मंदिर का खजाना दे। ठीक है जालिम सिंह, लेकिन इतना याद रखो कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो भगवान से प्रार्थना करना कि मैं फिर डाकू नहीं बनूं। भीमा, भीमा कौन है? बाबू क्या हुआ? खजाना मिल गया भीमा। खजाना मिल गया? कैसे मिला? शेरू यहाँ आया था। शेरू? हाँ शेरू अपने बाप का पता पूछने के लिए मेरे पास आया था। मैंने बदले में उसे खजाना लाने के लिए कहा है। देखो तुम शेरू पर नजर रखो, जैसे ही वो जंगल में खजाना लेके दाखिल हो भीमा तुम उसे गोली मार दो। बस मेरे पिताजी मुझे मिल जाए, मैं कैसे भी ये खजाना वापस लेकर आऊंगा। बाबा मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो। जिसे मैं नेकी और शराफत का फरिश्ता मान चुका हूं, मैं उसे फिर से धर्म का दुश्मन नहीं बनने दूंगा। लाओ लाओ ये खजाना मुझे। मेरे पापा, इस खजाने की वजह से आज मुझे अपनी खोई हुई दुनिया वापस मिल रही है, मुझे जाने दो। मेरी दुनिया मिटाकर तुम अपनी दुनिया बसाना चाहते हो? मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। ये खजाना नहीं जाएगा। नहीं बाबा नहीं।
भगवान के लिए मुझे जाने दो बाबा। पगले इतना ऊंचा उठा था नीचे गिरने के लिए। बाबा, बाबा, रुक जाओ बाबा। बिजली, मेरे बाबा मुझे मिल गए बिजली। वो देख मेरे बाबा जा रहे हैं बिजली। ये देख, ये फोटो देख, ये मेरे बाबा है, ये मेरी माँ है और ये मैं उनकी गोद में बैठा हूँ। वो मेरे बाबा है बिजली। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा बिजली, कहीं नहीं जाऊंगा। पागल मत बन, गांव वालों को पता चल गया कि तू डाकू शेर सिंह है। इससे पहले कि बोलो क्या है, चल चेरू भाग चले, चल। नहीं बिजली, ये कमीना भागना चाह रहा था बापू, भागना चाहता था। खजाना कहाँ है बोल? जहाँ होना चाहिए। खजाना किधर है बोल? खजाना तुझे नहीं मिलेगा सालिम सिंह। नहीं सरदार, इसे मार दिया तो खजाना हाथ से जाता रहेगा। ये खजाना इसलिए नहीं लाया कि पुजारी इसका बाप है। नहीं, ये झूठ है। झूठ है तो ये क्या है? ये देखो सरदार, अपनी आंखों से देखो। डॉक्टर विद्याभूषण और मंदिर का पुजारी। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे बेटी। मेरे लिए नहीं, मेरे भैया की लंबी उम्र की दुआ मांगो। आज उसका जन्मदिन है ना, वो जहां भी रहे खुश रहे। भाई आपने तो कुछ खाया ही नहीं, खाइए। दूसरों का पेट भरते हो बाबा और खूब भूखे हो। जी बेटे की भूख में तड़प रहे हो। सुनी सुनी, ये क्या कह रहे हैं आप? जिसके लिए तुम इधर बेचैन हो वो उधर तुम्हारे लिए बेचैन है। कौन? मेरा बेटा? हाँ डॉक्टर विद्याभूषण। तुम मुझे जानते हो, कौन हो तुम? कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा? नहीं बाबा नहीं, ये झूठ है बाबा। मैं आपका बेटा नहीं, इसका यकीन मत करना बाबा। ये इस बहाने मंदिर का खजाना लूटना चाहता है। खजाना बहाना, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ डॉक्टर। 21 साल पहले का वो जमाना याद करो जब तुम जमुना नगर में रहा करते थे। 19 दिसंबर की वो रात याद करो जब तुम अस्पताल से लौटे थे। पलंग पे पड़ी हुई तुम्हारी बीवी की लाश के साथ एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पे लिखा था, अगर अपने बच्चे की जिंदगी चाहते हो तो 5,00,000 रुपए लेकर काली पहाड़ी पर पहुंच जाओ। हाँ। और तुम पहुंच गए थे। हाँ। गोली चली थी। हाँ। लेकिन नोटों के बजाय उस बैग में से कागज के टुकड़े हुए थे। हाँ। पुलिस ने दिन रात उन बदमाशों का पीछा किया लेकिन आज तक उनका पता नहीं चला। नहीं भूषण नहीं, वो बदमाश तुम्हारे मुन्ने को सही सलामत बचा कर यहां पर। और वो मुन्ना है यही शेर।
उम्र मेरा बेटा बाबा ना, ना बाबा नहीं एक डाकू आपका बेटा नहीं हो सकता बाबा नहीं हो सकता ऐसा ना कर मेरे बेटे जब जब तूने मुझे बाबा तक पुकारा मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा खून मुझे पुकार रहा हो नहीं बाबा एक डाकू एक पुजारी का बेटा नहीं हो सकता नहीं बेटे सांपों के चूमने से चंदन जहर नहीं हो जाता ना बेटा अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहता है तो कल तक मंदिर का खजाना मेरे हवाले कर दे वरना तेरे बेटे का सर तेरे ही मंदिर में तेरे ही दिल के कदमों की भेंट चढ़ा दूंगा समझे ऐसा नहीं होना चाहिए मत रोक माँ मुझे जाने दे क्या तू चाहती है कि मेरे बेटे का कटा हुआ सर तेरे चरणों में आ जाए नहीं माँ नहीं मुझे उसकी जिंदगी दे दे माँ मेरी बाबा
मुझे गलत मत समझना, मैंने जो कुछ भी किया तुझे बचाने के लिए किया। समझ गया था पिछली। जल्दी चल। तू मेरी फिक्र मत कर, तू जा, जा शुरू। अरे ये तो सिर्फ अपने शेर सिंह है जो अमृत बना हुआ था। डाकू शेर सिंह, शाम अमृत बाबा क्यों अमृत भैया बोले अमृत चले बाबा क्यों भैया को अमृत बाबा मैं ठीक हूं। अमृत परेशान नहीं खुश में आओ, पागल ना करो। हट जाओ बाबा, आज मुझे अपने पिताजी की मौत का बदला लेना है। नहीं हट जाओ बाबा, ले लेने दे से अपने बाप की मौत का बदला। चला गोली शानो और खत्म कर दे शेर सिंह को जिसे बचपन से ही मां बाप की गोद से छीन लिया गया था, जिसे एक अच्छी जिंदगी से निकालकर जंगल के उस भयानक अंधेरे में फेंक दिया था जहां वो अपने आप से ही गुम हो गया। मैं चीखा चिल्लाया लेकिन मेरी आवाज दबा दी गई। मैं रोया, मैं तड़पा, मां की गोद ढूंढी लेकिन पत्थरों की छाती मिली। और एक दिन मेरे बचपन के चेहरे की मासूमियत पहुंचकर हमेशा के लिए डाकू लिख दिया गया। उन हालात में जन्मा ये डाकू आज तेरे सामने खड़ा है शानू। चला गोली, चला गोली शानू। तुझे तेरे प्यार की सौगंध, अब ये तेरा प्यार भी बीच में नहीं आएगा। भगवान ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसकी बात तुम्हें मत आओ शानू, ये झूठा है, इसने तेरे बाबा की जान ली है। शानू बेटी, अगर अब भी तुझे बदला लेना है तो जरूर ले। इसने तेरे बाप की जान ली है, तू इसके बाप की जान ले ले। हाँ बेटी, ये मेरा मुन्ना है, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू मेरी जान ले ले। पर इसे माफ कर दे, अब तो ये डाकू भी नहीं रहा। क्या सबूत है कि ये अब डाकू नहीं रहा? तू अंदर जा, रानी को भी ले जा, जा जा। चलो रानी। चलो।
ना मिले चले आए शेरू, लगता है बाप की याद बहुत सता रही थी। क्या भूषण बाबा, तेरा खजाना तो खुद ब खुद दौड़ कर तेरे पास आ गया, मेरा खजाना क्या यही रहेगा? जा जाके मेरा खजाना ले आ। कब हाल में मेरे बाबा को हाथ लगाया तो? ठीक है, तुम कहते हो तो हाथ नहीं लगाते। सालम सिंह, मैं तुझे तेरी जवानी पे तरस आता है शेरू। भीमा सोच गया बाबू, सालम सिंह अगर बाबा को हाथ लगाया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। बोल, खजाना देगा या नहीं? नहीं। अब बोल, खजाना देगा या नहीं? नहीं। बोल, खजाना देगा या नहीं? नहीं। इसका मौत भी इसके नाम से डर के भागे। अब बोल, खजाना देगा या नहीं? नहीं। चाहे तू मेरी जान ले ले या मेरे बेटे की, खजाना तुझे नहीं मिलेगा। खजाने पर इन भक्तों का हक है। भक्तों का? बाबू जा जाके खजाना लिया। तू अपने आदमियों को लेके अड्डे पे पहुंच जाना। अच्छा ना चलता। खबरदार जालिम सिंह, कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून के रख दूंगा। शानो, बाबा को अंदर ले जा। Thank you.
बाबा अमृत भैया भैया रानी